हेलो दोस्तों, INC24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर हमारी न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करें। जून को नगर निगम बजट सत्र में कांग्रेसी पार्षदों द्वारा बीजेपी पार्षद के साथ अभद्रता को लेकर तकरीबन 13 दिन बीत जाने के बाद गिरफ्तारी न होने को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल एडीजी वरुण कपूर से मिलने पहुंचा, जहां पर एडीजी ने यह बात कही कि जल्द मामले में निर्णय लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के पार्षद और विधायकों का कहना था कि लंबे समय होने के बाद भी पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही सामने है, जिसमें एडीजी ने जल्द उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। आशीष सिंह के बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं का कहना था कि इतना लंबा समय यदि एक कार्रवाई को लेकर किया जाएगा तो फिर पुलिस प्रशासन पर कई सवाल निशान खड़े होते हैं। बयान हुए हैं जिसके रिपोर्ट लिखी गई है, ना किसी और के बयान हुए हैं, जबकि वीडियोग्राफी के प्रूफ है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। अब मेरे को आपको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। 353, 186, 452, 454 मार्केट पे 147, 146 ये सब धारा लगनी थी और 100 मोटो लगनी थी। आपने बता दिया कि वो छुट्टी पे थे, उन्हें पता ही नहीं था। देखो, ये आपका सोचना है, हमने हमारा पक्ष रखा। 13 तारीख को जो घटना हुई और अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कमिश्नर ने जो लेटर भेजा वहाँ पे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई बयान हुए, न अरेस्ट हुई। तो ये 12-14 दिन जो निकले तो हम उनसे छोटे सभी अधिकारियों से बात कर चुके थे और हमको उनका रवैया ऐसा लगा कि ये टालने के मूड में, काम प्रेशर में है। तो हम हायर अथॉरिटी के पास आए कि अगर आप करो और वो नहीं करेंगे तो इनसे ऊपर की अथॉरिटी है और फिर जनता हमारे साथ है, तो हम सड़क पे इसके लिए लड़ेंगे। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जो मेरे से मिला है, वो जो नगर निगम के जो आम सभा की बजट सत्र था उसके संबंध में जो भी घटनाक्रम हुआ है उस संबंध में उन्होंने अपने शिकायत दर्ज कराई है। ज्ञापन किस्म का तो नहीं दिया है, पर उन्होंने जो बातें उठाई हैं उसकी हम जांच करेंगे और जांच में जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हम सुनिश्चित करेंगे। ये ऐसा आश्वासन मैंने उनको भी दिया है और उस संबंध में हम कार्रवाई भी करेंगे। सर, नामजद FIR होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर, मैंने बताया ना, उसमें पूरी जो भी इनके मुद्दे हैं, जो भी उठाए गए हैं, उसमें पूरी जांच होगी और जांच उपरांत वैधानिक कार्रवाई होगी। इनने कोई अल्टीमेटम भी दिया गया इतने देर में गिरफ्तार करिएगा, अल्टीमेटम सड़कों पे उतरेंगे? नहीं, ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं है। तरफ से आश्वासन उन्होंने दिया है कि जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी।